डी अपॉन डी वाई वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है, इसका वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब होता है जैसे स्लोप लोप निकालते हो, कभी स्लोप निकालते हैं ऐसे हम वेलोसिटी ग्रेडियंट निकालते हैं, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी आ रही है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में उसको हम वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है। यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी की यूनिट, देखो अभी तक हमने बार बार दो तीन बार लिख दिया था टाउ इज इक्वल टू विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज 0.01 पास्कल इंटू सेकेंड, मतलब समथिंग वैल्यू इंटू पास्कल इंटू सेकेंड। पास्कल इंटू सेकेंड वो क्या होता है, यूनिट किसका, विस्कोसिटी का। अब हमें देखना है कि वो पास्कल इंटू सेकेंड कहाँ से आया, हमने कहा था इसको देखेंगे, पास्कल इंटू सेकेंड इसका यूनिट होता है, क्या होता है, यूनिट से प्रॉब्लम आता है, ये ध्यान कर लेना, यूनिट से प्रॉब्लम पूछा जाता है, या तो डायरेक्ट यूनिट ही पूछेगा, या फिर अगर विस्कोसिटी से कोई प्रॉब्लम आएगा, न्यूमेरिकल आया, तो विस्कोसिटी कभी भी डायरेक्ट गिवन नहीं होती है, विस्कोसिटी किसी ना किसी फॉर्म में गिवन होती है यूनिट के में, जैसे पोइस हो गया, स्ट्रोक हो गया, इस तरह से गिवन होती है, हमें विस्कोसिटी निकालनी पड़ती है, यस और नो। तो हमारे पास यहां पर दो कंडीशन होंगी, एक कंडीशन हो गया डायनेमिक विस्कोसिटी और दूसरा होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी दूसरा क्या होता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी की मैं यूनिट निकालता हूं, ठीक है जी, बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई, यही होता है फॉर्मूला। अब इसमें से मुझे यूनिट निकालनी है किसकी, म्यू की। यूनिट निकालने का सिंपल तरीका हमने आपको बताया कि इसकी तो आपको क्या निकालनी है यूनिट, अब जो जैसे बैठा है उसको ऐसे बैठा रहने दे, क्या है टाउ, टाउ है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यस और नो। म्यू की यूनिट निकालना है तो ये क्या हो गया, म्यू इंटू डी यू, यू का मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब मीटर पर सेकंड, ये हो गया मीटर पर सेकंड, और डी वाई का मतलब डिस्टेंस, मीटर से मीटर कैंसल, तो यूनिट ऑफ म्यू बराबर क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, या पास्कल इंटू सेकेंड, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज पास्कल, तो पास्कल इंटू सेकेंड हो गया, किसी को कोई समस्या, ये तो हुआ एसआई यूनिट, हमें चाहिए एमकेएस और सीजीएस, एमकेएस यूनिट हमें निकालना है, चूंकि हम जानते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड को मैं क्या लिख दूं, चूंकि हम जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इज किलोग्राम, एक्सेलरेशन इज मीटर पर, और ये क्या हो गया न्यूटन, तो न्यूटन की जगह ये पुट कर दूं, तो न्यूटन की जगह ये पुट करूंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये हुआ, सेकंड से सेकंड कैंसिल, एक मीटर से एक मीटर कैंसिल, हमारे पास क्या यूनिट मिल गया, किलोग्राम मीटर इंटू सेकेंड, दिस इज द एमकेएस यूनिट, ये क्या है एमकेएस यूनिट, कोई प्रॉब्लम। सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, किलोग्राम को क्या कर दे, मीटर को और सेकेंड, दिस इज द सीजीएस यूनिट, किसी को कोई समस्या। अब हमें बेसिक कॉन्सेप्ट देखना है, मैं यहां से देख रहा हूं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर इंटू सेकेंड बराबर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर इंटू सेकेंड को कन्वर्ट करना है हमें एमकेएस में, मतलब सीजीएस यूनिट को कन्वर्ट करना है किसमें, एमकेएस यूनिट में, कितना होगा,
ये हो गया 10^-3 किलोग्राम, ये होता है, और सेंटीमीटर का मतलब 10^-2 मीटर, और सेकंड क्या रहेगा, सेकंड ही, सेकंड क्या रहेगा, सेकंड ही। ये हो गए कैंसल आउट, ऊपर बच गया 10^-1, तो मेरे पास क्या बचा, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर इंटू सेकेंड इज इक्वल टू 1/10 किलोग्राम मीटर इंटू सेकेंड, ठीक है जी, या फिर 1/10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। कोई समस्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दोनों एक ही बात है, ये हमारे पास निकल का है। दिस इज 1 पोइस, इसको हम क्या बोलते हैं, पोइस। तो पोइस इज इक्वल टू 1 CGS यूनिट और 1/10 MKS और SI यूनिट। कोई समस्या, बार बार पूछा जाता है, फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम में नहीं पूछा तो आपसे न्यूमेरिकल के माध्यम से पूछेगा, ठीक है जी। 1 पोइस इज इक्वल टू 1/10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। यूज कैसे करना है उसको भी बता देंगे। ये तो हमारे पास हो गया डायनेमिक विस्कोसिटी, अब हमें देखना है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। दूसरा क्या होता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी डिनोटेड बाय द न्यू, न्यू से हम इसको डिनोट करते हैं। काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है, ये होता है डायनेमिक विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू अपॉन डेंसिटी रो। अब भैया इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ये क्या है, डायनेमिक विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर अपॉन किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या हो गया, मीटर स्क्वायर पर सेकंड, दिस इज द MKS यूनिट, ठीक है जी। CGS यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, दिस इज CGS यूनिट। वही कहानी जो अभी देखा है, हम लिखेंगे कि 1 CGS यूनिट को कन्वर्ट करना है MKS यूनिट में, तो 10^-2 का स्क्वायर और मीटर स्क्वायर पर सेकंड, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 cm² per second बराबर 1/10^4 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। इसी को हम बोलते हैं 1 स्ट्रोक, क्या बोलते हैं, 1 स्ट्रोक, मतलब स्ट्रोक इज इक्वल टू 1 cm² per second या फिर 1/10^4 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। हमारे पास दो यूनिट मिले, स्ट्रोक और पोइस। अब हमने क्या किया, धनाधन धनाधन याद कर लिया इसको, 1 stroke is that, 1 poise is that। एग्जामिनर चला गया बिल्कुल बेसिक में, उसने पूछा कि जो पोइस है वो किसकी यूनिट होता है, ये भूल गए, डायनेमिक विस्कोसिटी की या काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। तो पोइस इज द यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी, दैट वैल्यू इज 1/10 इंटू MKS यूनिट, यस और नो, ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी। एंड स्ट्रोक इज द यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी, दिस वैल्यू इज 1 CGS यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी और 1/10^4 ऑफ MKS यूनिट। ये हमारे पास वैल्यू निकल का आई, इसका आप वैल्यू लिखें। लिखें, इफ डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ ए फ्लूड शोन इन द डायग्राम इज 0.001 न्यूटन इंटू सेकेंड, ये डायरेक्ट दे दिया विस्कोसिटी,
या फिर इसमें दे सकता है. व्हाट इज द शेयर स्ट्रेस एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल. वॉल से 30 सेंटीमीटर पर शेयर स्ट्रेस निकालो जब ये u इक्वल टू 3y माइनस y 4 क्यूब. दिख रहा है ना ये वाली इक्वेशन. इस इक्वेशन को मैं बड़ा करके लिख देता हूं. u इज इक्वल टू 3y माइनस 4y क्यूब. देखो इस प्रकार के क्वेश्चंस को किस तरह से करना है. आपको वेलोसिटी की प्रोफाइल दे दिया, ठीक है जी. आपको क्या दे दिया? वेलोसिटी प्रोफाइल. लिख लिया ना सबने? समझ लीजिए एक बार क्वेश्चंस को. वेलोसिटी प्रोफाइल दे दिया. आपको विस्कोसिटी दे दिया 0.001 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड. ये आपको क्या दे दिया? विस्कोसिटी दे दिया. आपको चाहिए क्या? शेयर स्ट्रेस एट, इन्होंने कहा है शेयर स्ट्रेस निकालो एट y इज इक्वल टू 0.3 मीटर. 0.3 मीटर यही है ना, 0.3 मीटर पर जो भी आ रहा हो. 30 सेंटीमीटर इज 0.3 मीटर पर आपको शेयर स्ट्रेस निकालना है. हमने कहा कि चूंकि हम जानते हैं कि शेयर स्ट्रेस बराबर होता है म्यू डी यू अपॉन डी वाई, तो आपको इस प्रकार का प्रॉब्लम पूछा जाए तो आपको क्या करना है? म्यू तो है ही, डी अपॉन डी वाई, और ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी प्रोफाइल 3y माइनस 4y क्यूब. हाँ हाँ कोई बात नहीं. 3y माइनस 4y क्यूब, ठीक है जी. टाउ इज इक्वल टू वाई स्क्वायर से कितना आ रहा है? वाई स्क्वायर से ऑप्शन में नहीं आ रहा, ठीक है. चलो मैं इसको इससे कर देता हूं ना. टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई, म्यू 3 माइनस 12 बाई स्क्वायर. 12 बाई स्क्वायर यही है ना. तो हमारे पास क्या हो गया? टाउ इज इक्वल टू, टाउ एट y इज इक्वल टू 0.3 मीटर, 0.0013 इंटू 12 इंटू 0.3 का होल स्क्वायर. कितना आ रहा है आंसर? यही करना है ना भाई. यहां पर क्या होगा? इस तरह का होगा कि वाई अननोन होगा, जो वाई की वैल्यू आपको दी हुई है तो वाई की वैल्यू हम पुट कर देंगे. कितना आ रहा है? 1.92 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. लिख लीजिए इसको. इस टाइप के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं फ्रिक्वेंटली, ठीक है. आसानी से कर सकते हैं. देखो सिमिलर एक और प्रॉब्लम है, करना नहीं है, समझ लीजिए बस. करो तो आप फोटो ले लो, घर से कर लेना, मैं समझा देता हूँ ना. देखो द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए फ्लो ओवर द प्लेट इज 0.5 बाई माइनस बाई स्क्वायर है. मतलब u इक्वल टू कितना दे दिया? 0.5 बाई माइनस बाई स्क्वायर दे दिया है ना. वेयर u इज द वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड और एट ए डिस्टेंस y मीटर अबव द प्लेट इफ द डायनेमिक विस्कोसिटी इज, डायनेमिक विस्कोसिटी कितना है? 0.9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड. देन व्हाट इज द शेयर स्ट्रेस एट एट टाउ एट y इज इक्वल टू 0.2 मीटर. सेम वही प्रॉब्लम है जो अभी किया है. यस और नो? बस वैल्यू पुट करो और आंसर लो इस तरह से. ये क्वेश्चन आपको वर्कबुक में मिलेगा.